हम हमी और प्रोग्राम में इंतजार न फैले। उलमाए किराम जो तशरीफ फरमा है मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ। थोड़ा थोड़ा अगर आपको सहमत न हो, परेशानी न हो, तो जरा सा पीछे हो जाएंगे तो और मेहरबानी होगी हमारे ऊपर। अब जरा सा थोड़ा थोड़ा आप पीछे हो जाए, जरा सा सामने जगह छोड़ दें। हजरत इंतहाई एहतराम और अदब के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत से बेकसां चारा साजे दर्दमंदां हम गरीबों के गम गुसार हम फकीरों की सरवत शहरे यारे इरम ताजदारे कलम नौ बहारे शफात शबे असरा के दूल्हा नौ शे बज़्मे जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्म रसुल खुसरवे खूबा सयाहे ला मका वजह कुल फका दुर्रिल्लाहि मकनून सिर्रिल्लाहि मखजून आलिमे मा काना वमा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले असफिया मतलए हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फखरे मौजूदात हुजूर बदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा अरवा मुनाफिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह में बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ा बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़े الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नेमतें बांटता जिस्म तो वो जीशान गया साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया आह वो आंख के नाकामे तमन्ना ही रही हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया और उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम बिललाहिल्हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये खूबसूरत महफिल खानकाए बुखारिया के ज़ेरे एहतमाम उर्स बुखारी के मौके पर साहिब सज्जादा हजरत पीर सैयद सैफुल हसन साहब बुखारी मुद्दज़िल्लाहुल आली ने उलमाए किराम और मशायखे जान को बड़ी तादाद में मुंतखब किया मदु किया और मुझसे पेशतर आपने मुनाज़िरे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हाफिज एहसान कादरी साहब से उनका खिताब समाप्त कर लिया है और शायद मेरे बाद भी आपको आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सुनना है। थोड़ी देर के लिए जितना वक्त मुझे दिया गया है उसको लेकर कुछ आपकी खिदमत में अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की फरामीद पेश करने की सआदत हासिल की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत देर तक कोई आपका वक्त लेना मंजूर नहीं है, जितनी देर तक आप थोड़ी देर में सुनेंगे बस उतना ही आपको सुनाया जाएगा, लेकिन आपकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। ये बुजुर्गान दीन के जो उर्स की महफिलें होती है, आराज की जो महफिलें होती है, उसमें आपको जमा करने का एक मकसद होता है और वो मकसद क्या है कि जिन
नकोश पर चलकर, जिस रास्ते पर चलकर ये लोग अल्लाह वाले बने हैं, अल्लाह के वली बने हैं, वो रास्ता आपको भी दिखाया जाए और वो भुला हुआ सबक आपको हम सबको याद दिलाया जाए। ये जो उर्स होते हैं ये सब के उर्स नहीं होते, उर्स सिर्फ अहले जन्नत के हुआ करते हैं, उर्स जन्नती लोगों के हुआ करते हैं। और जन्नत का रास्ता क्या है, जन्नत का रास्ता कौन सा रास्ता है? अब तक यकीनन हमारे शोरा ने आपको जन्नत का रास्ता दिखाया होगा, मुझसे पेशरू खुतबा ने भी आपको जन्नत का रास्ता बताया होगा, लेकिन अल्लाह के कुरान की रोशनी में सिर्फ एक पॉइंट आपको जन्नत में जाने का मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंतहाई आसान है, जन्नत मिलेगी, और जन्नत मिलने के लिए क्या तरीका है, जन्नत मिलने के लिए कौन सा रास्ता है? जन्नत उतनी मुश्किल नहीं है जितना बद अकीदों ने बता दिया, और जन्नत उतनी आसान भी नहीं है जितना हमारे शोरा ने बता दिया। इतना भी आसान जन्नत नहीं जिसपे शायरी में जन्नत बताई जाती है, और उतनी मुश्किल भी नहीं जो लोगों के बदअकीदों की महफिलों में बताई जाती है। इस्लाम मजहब एतदाल है, कितना आसान है जन्नत में जाना। तो कुरान कुरान ही रास्ता बताता है, अल्लाह ही रास्ता बताता है जन्नत में जाने का रास्ता क्या है। तो कुरान कहता है इन तजतनी मुकबाहिरा मा तुनहाउना अनु, जो गुनाह कबीरा से बच गया, जिसने अपने आप को गुनाहे कबीरा से रोक लिया, यानी बड़े गुनाह, जिन गुनाहों को अल्लाह ने हराम किया है, जिन गुनाहों से बचने का हुक्म दिया है, जिन गुनाहों से रुकने का हुक्म दिया है। कुरान कहता है अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे, अगर तुम गुनाहे कबीरा से बचोगे, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है मा तुनहाउना अन व नुकफिर अनकुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे तो हम तुम्हारे छोटे गुनाहों को यूं ही माफ कर देंगे, और तुम्हें इज्जत का ठिकाना जिसे जन्नत कहते हैं उस जन्नत के अंदर हम तुमको दाखिल कर देंगे। नारे तकबीर, ये अल्लाह का वादा है। बचना किससे है? सिर्फ बड़े गुनाहों से बचना है, गुनाहे कबीरा से बचना है। गुनाहे कबीरा से बचना तुम्हारा काम है। मेरा अल्लाह का वादा सच्चा है, मेरे रब का वादा सच्चा है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मीआद, अल्लाह का वादा झूठा नहीं होता, अल्लाह का वादा सच्चा है, वो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, वो अपने वादे को पूरा करता है। अब आइए यहाँ सुनना ये है, बड़े गुनाह क्या है, गुनाहे कबीरा क्या है। थोड़ा अगर वक्त में जितनी गुंजाइश है कुछ गुनाहे कबीरा आपके सामने पढ़ता हूँ, और आज से हम अहद करेंगे, मैं भी अहद करूँ, आप भी अहद करें कि हम सब बड़े गुनाहों से बचेंगे। मेरे भाइयों, जन्नत में सब जाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी माजरत के साथ अच्छी तरह याद रखना, अगर मेरा दामन पकड़ोगे तो जन्नत नहीं मिलने वाली। जब तक कुरान का दामन ना पकड़ो, अगर पीर का दामन पकड़ोगे तो जन्नत नहीं मिलने वाली, जब तक कुरान का दामन ना पकड़ो। याद रखना सच्चा पीर वही है जो कुरान की तालीम बताता है। अगर कोई ये कहे कि जो जी में आए करो मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगा, तो याद रखना किसी की तबीयत नहीं चलेगी, सिर्फ कुरान और सुन्नत की तालीम हमें जन्नत में लेकर के जाएगी। और याद रखना हमारे जितने पीर हैं सिद्दीक अकबर से लेकर आज तक के मशायख तक, सबने हमें कुरान का रास्ता बताया, सबने हमें हदीस का रास्ता बताया। अच्छी तरह याद रखना हजारों की तादाद में उर्स के नाम पे जमा होने वालों, मेरी कौम के जवानों, आज कितना अच्छा दिन है, आज कितनी अच्छी रात है, इतने लोग किसको मिलते हैं, इतने लोग कहां आते हैं। और एक बात आपको बता दूं, जहां 40 मोमिन जमा होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली होता है, यहां तो हजारों लोग जमा है, अल्लाह हो अकबर, जमीन के अंदर के औलिया तो मौजूद है, जमीन के ऊपर के औलिया भी हमारे दरमियान मौजूद है। अगर हम यूं ही आकर यूं ही चले गए और हमने जिंदगी गुजारने का
तरीका न सीखा, हमने कुरान और हदीस की तालीम न सीखा, तो याद रखना जैसे आए थे वैसे ही चले गए। बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कोई बंदा प्यासा हो और दरिया के किनारे भी प्यासा ही रहे तो उसकी महरूमी का आलम क्या होगा। तो आगे गुनाह कबीरा से बचना है, आज एक नारा लेकर जाए गुनाह कबीरा से बचना है। कबीरा मतलब बड़ा, बड़े गुनाहों से बचना है। वैसे तो एक बात कोई गुना छोटा होता ही नहीं, इसलिए याद रखना कोई गुना छोटा नहीं होता। किसी गुना को छोटा समझ के कभी करना मत, किसी गुना को छोटा समझ के कभी करना मत, इसलिए कि जब वो ठोकर जो लगा करती है वो पहाड़ों से नहीं लगती, बल्कि ठोकर हमेशा छोटे छोटे पत्थरों से लगा करती है। इसलिए हो सकता है आपने किसी गुना को छोटा समझ करके किया और वही गुना आपके जहन्नम में जाने का सबब बन जाए, वही गुना आपके जहन्नम में दाखिले का सबब बन जाए। अल्लाह हो अकबर। और किसी नेकी को छोटी समझ कर कभी मत छोड़ना, इसलिए कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आओ आज जन्नती बनने का तरीका हमें कुरान में अल्लाह ने बताया है। बड़े गुनाहों से बचो अल्लाह के लिए, अल्लाह ने तुम्हारे साथ जन्नत का वादा किया है। याद रखना मेरे भाइयों, हम सब जन्नत में जाना चाहते हैं लेकिन गुनाह कबीरा से यानी बड़े गुनाह से बचते नहीं। तो आइए वो बड़े गुनाह क्या है, उनमें से चंद गुनाह पढ़ दिए जाते हैं। आइए जो गुनाह कबीरा है यानी बड़े गुनाह है, उन बड़े गुनाहों के अंदर एक गुनाह ये है, क्या बदनजरी करना, यानी किसी औरत पर किसी मर्द का पाप की नजर डालना, गलत नजर डालना, बदनजरी का शिकार होना। अल्लाह हो अकबर। और किसी औरत का किसी मर्द को पाप की नजर से देखना, ये भी गुनाह कबीरा है। कुरान कहता है आप ईमान वालों को हुक्म दे कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। याद रखना अपनी निगाहों पे कंट्रोल करो। आज फिल्में देखकर सीरियल देखकर लोगों की ये आदत बन गई है, चक्कर मकर चलते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, गंदी पिक्चरें देखते हैं। कोई औरत सामने आ जाए, बल्कि अब तो हालात इतने गंदे हो चुके हैं, हालात इतने बुरे हो चुके हैं, मोहल्ले में कोई लड़की मोहल्ले में पड़ोस की अगर नजरों से अगर गुजर जाए तो उस पर भी पाप की नजर डालते हैं, उस पर भी गंदी नजर डालते हैं। सुन लो, अपनी आंखों को आवारा ना करो, अपनी आंखों को पापी ना करो। मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अच्छी तरह से सुन लो मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी औरत को पाप की नजर से देखा होगा, जिस मर्द ने किसी औरत को गंदी नजर से देखा होगा या किसी औरत ने किसी मर्द को गंदी नजर से देखा होगा, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी फरमाते हैं उसकी आंखों में कयामत के दिन जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें उसकी आंखों में डाली जाएगी। ये जहन्नम की आग क्या है, ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, जहन्नम की आग क्या है। अल्लाह के नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारी दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा यानी अल्लाह हु अकबर उन 70 दर्जा ज्यादा उन 70 दर्जा ज्यादा दुनिया की आग से जहन्नम की आग तेज और तर्रार है। यानी कि दुनिया की आग को अगर उन 70 दर्जा ऐसे ही हरारत और बढ़ाई जाए तो कितनी तपिश होगी, कितनी हरारत होगी। अल्लाह के सच्चे नबी गैर का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम की आग में दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा हरारत है। यानी कि जहन्नम की आग को अल्लाह पर 70 मरतबा जब रहमत के पानी से धोया गया है तब कहीं जाकर के दुनिया की आग बनी है। आप अंदाजा करें दुनिया की आग का क्या आलम है। तो इससे उन 70 दर्जा ज्यादा जो आग में हरारत होगी, जो आग में तपिश होगी, उसकी हरारत का आलम क्या होगा। और फिर मेरे आका फरमाते हैं औरतों को गंदी नजर से देखने वाले, औरतों को पाप की नजर से देखने वाले, उनकी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी। मेरी कौम के जवानों, ये गुनाहे बेलज्जत क्यों करते हो। किसी लड़की पर नजर पड़े तो उसको बहन की शक्ल में क्यों नहीं देख सकते, अगर बड़ी हो तो उसको मां की शक्ल में क्यों नहीं देख सकते, अगर छोटी हो तो उसको बेटी की शक्ल में क्यों नहीं देख सकते। हर औरत को पाप की नजर से देखा जाता है, हर औरत को गंदी नजर से देखा जाता है। सुन लो, जिसकी आंखें इतनी कमजोर हो, जिसकी आंखें इतनी नाजुक,
देखो अगर हमारा पलक का बाल टूट कर हमारी आंख में आ जाए तो बताओ हम उसको बर्दाश्त कर पाते हैं? अपनी ही पलक का बाल अगर अपनी आंख में टूट करके आए हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते? औरतों को पाप की नजर से देखने वालों, जब तुम्हारी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी उस वक्त इन आंखों का क्या बनेगा? अल्लाह हू अकबर। अगर अम्मी या बहन प्यास काट रही हो और कटती हुई प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात जो नजर भी नहीं आते, अगर वो प्यास का जर्रा हमारी आंख में चला जाए तो बताओ क्या हमारी आंख उसको बर्दाश्त कर पाती है? नहीं कर पाती ना। वो प्यास का जर्रा जो नजर भी नहीं आता, अगर वो आंख में चला जाए तो आंखें हमारी इतनी कमजोर है, आंखें हमारी इतनी नाजुक है कि नजर में आने वाला वो जर्रा आंखों को रुला देता है, आंखों को लाल कर देता है, आंखों को सुर्ख कर देता है। बताओ जब प्यास के नन्हे जर्रा हमारी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाती तो जहन्नम की आग की सलाखें हमारी आंखें कैसे बर्दाश्त कर सकेगी? दुनिया के अंदर जवानी की रंगरेलियों में, दुनिया के अंदर जवानी की मौज मस्तियों में लड़कियों के साथ हराम ताल्लुकात बनाने वालों, नाजायज ताल्लुकात बनाने वालों, कभी गौर किया? सिर्फ देखने पर इतना बड़ा बवाल है, सिर्फ देखने पर इतना बड़ा अजाब है कि जहन्नम की आग में सलाखें डाली जाएगी। अब आपसे पूछता हूं तो जो किसी के साथ बदकारी करे, किसी के साथ ज़िना करे, उसका क्या अंजाम होगा? अब उसका अंजाम भी जरा सुन ले। इसलिए कि आज ज़िना को फैशन का नाम दिया जा रहा है, आज बदकारी को फैशन का नाम दिया जा रहा है। सुन लो अल्लाह हो पर लड़कियों से दोस्ती रचाने वालों, अल्लाह अल्लाह, अगर आज कोई नौजवान लड़का किसी लड़की से ताल्लुकात कायम न करे, उससे नाजायज दोस्ती न करे, तो दोस्त उसको ताना देते हैं कि तू मर्द नहीं है, तू तो बैकवर्ड है, तुझे जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं। अरे नादान, वो जिंदगी क्या जिसमें लड़की की दोस्ती नहीं? अभी जवानी में हौज मौज कर लो, जो होगा देखा जाएगा। अच्छी तरह सुन लो, जो जवानी में गंदगी करते हैं, जो जवानी में गुनाह करते हैं, जो जवानी में पाप करते हैं, याद रखना जो अल्लाह ताकत देने वाला है वो अल्लाह ताकत छीनने वाला भी है। जवानी के नशे में मेरे अल्लाह को ऐलान जंग का चैलेंज करने वालों, जो ताकत देना जानता है वो ताकत छीनना भी जानता है। जवानी के नशे में अगर पाप के शीश में तामीर करोगे तो अल्लाह हो पर जो अपनी जवानी को गुनाहों में गुजारते हैं, खुदा उनका बुढ़ापा इतना इबरतनाक बना देता है, खुदा उनका बुढ़ापा इतना बदतरीन बना देता है कि वो मौत मांगते हैं तो भी उनको मौत नहीं आती। वो पैर रगड़ते हैं और मौत तलब करते हैं और रो रो करके, छुप छुप कर रो रो कर कहते हैं, पता नहीं क्या गुनाह हो गया जो हम इतना तबाह हो रहे हैं, हम इतना बर्बाद हो रहे हैं। याद रखना, दौलत का नशा हो या जवानी का नशा हो या ताकतों को पक्का नशा हो, अल्लाह के कसम को चैलेंज मत करो। कोई देखे ना देखे अल्लाह सबको देख रहा है। रात की तारीकी में गुनाह करने वालों, दिन के उजाले में गुनाह करने वालों, तन्हाई में गुनाह करने वालों, सुन लो, हम किसी ऐसे खुदा को नहीं मानते जो मिट्टी और पत्थर का है, हम तो उस खुदा को मानते हैं जो हमारी शैरत से ज्यादा करीब है। कुरान कहता है तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है, उस अल्लाह से डरो। आप क्या समझते हो फिरौन को अल्लाह ने दौलत दी लेकिन फिरौन ने अल्लाह की नाफरमानी की? अल्लाह ने उसे मोहलत दी, उसने नाफरमानी की, अल्लाह ने उसे मोहलत दी, अल्लाह उसने अल्लाह की नाफरमानी की, क्या दिन आया? अल्लाह ने उसको दरिया में गर्क कर दिया, अल्लाह ने उसको दरिया में डुबो दिया और उसकी लाश को जब दरिया ने निकाल करके फेंक दिया तो कुत्ते भी उसकी लाश को खाने के लिए तैयार न थे, कुत्ते भी उसकी लाश को खाने के लिए तैयार न थे। और आज तक फिरौन की लाश एक म्यूजियम के अंदर पड़ी हुई है,
ना उसको कफन नसीब है, ना उसको कब्र नसीब है। क्या आप यही चाहते हैं? फिरौन की लाश हर दौलतमंद को पुकार पुकार कर इबरत की दावत दे रही है। अगर दौलत के नशे में अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो मेरा अंजाम देख ले। अरे तू तो किसी फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, तू तो किसी कारखाने का मालिक हो सकता है, तू तो किसी खेत और खलियान का मालिक हो सकता है। फिरौन तो इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक था, लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद भी उसको ना कफन नसीब हो सका, ना उसको दफन नसीब हो सका। इससे क्या पता चला? गुनाह मत करो, जहां गुनाह है वहां फना है। याद रखना, गुनाह करके इंसान को लज्जत तो मिल सकती है, लेकिन गुनाह करके इंसान को इज्जत नहीं मिल सकती। चंद लम्हे की लज्जत के लिए आखिरत की इज्जत को तबाह मत करो। एक दिन मरना है मेरे भाई, रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाना है, रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाना है। कुछ तो आखिरत का ख्याल करो, अब क्या गुनाह ही रह गए हैं। अल्लाह हू अकबर, तुम्हें अर्ज ये कर रहा था, बात दूर ना निकले, मुझे जल्दी जल्दी से अपने बात को मुकम्मल करना है। हजरत हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में जिना किया होगा, जिना किया होगा, कयामत के दिन उसके वजूद पर जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहनाई जाएगी। जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज जब उसके वजूद पर रखी जाएगी। ये मैं अपनी तरफ से लेकर आया हूं, इस हदीस को फकीह अबुल्लाह समरकंदी ने अपनी किताब में लिखा है। अल्लाह हू अकबर, जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज जब उसके बदन पर पहनाई जाएगी तो उसकी हड्डियां टूट टूट जाएगी, उसकी हड्डियां टूट टूट कर बिखर जाएगी। अल्लाह हू अकबर, आप मुझे बताएं ना मेरे भाइयों, क्या हमारे जिस्मों में इतनी ताकत है कि जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहने? अल्लाह अल्लाह, अभी सर्दी के दिन है, जो इंसान का बदन सर्दी बर्दाश्त न कर सके, जो इंसान का बदन मई की गर्मी बर्दाश्त न कर सके, वो इंसान का बदन अल्लाह हू अकबर, वो जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज को कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? अल्लाह अल्लाह, इसलिए गुनाहे कबीरा से बचो, बड़े गुनाहों से बचो। यकीनन जिंदगी में कभी एक मौका ऐसा आता है इंसान पर कि आप गुनाह करना चाहेंगे, गुनाह का पूरा माहौल होगा, कोई रोकने वाला ना होगा, कोई टोकने वाला ना होगा, कोई मना करने वाला ना होगा। लेकिन याद रखना, ये सोच कर गुनाह छोड़ देना कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, बस ये सोच कर अल्लाह देख रहा है। याद रखें, अपने जैसा इंसान देखे, हम गुनाह नहीं करते, अल्लाह देख रहा है, हम गुनाह क्यों करते हैं। अपने अब्बा देखें, हम उनके सामने सिगरेट नहीं पीते, अल्लाह देख रहा है, जिना कैसे कर लेते हैं। अल्लाह हू अकबर, पीर साहब देख रहे हैं तो खड़े होकर के पानी नहीं पीते, और अल्लाह देख रहा है तो बदकारी कर लेते हैं। यानी कि इंसान जितना अपने पीर का एहतराम करता है उतना भी अल्लाह की इज्जत नहीं करते, उतना भी अल्लाह का एहतराम नहीं करते। कुरान इसीलिए तो कहता है वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, कि तुमने अल्लाह की ऐसी इज्जत नहीं की, तुमने अल्लाह की ऐसी कदर नहीं की जैसा कि उसकी कदर करने का हक है। अपने जैसा इंसान देखे, बल्कि बढ़ के कहूं, अगर किसी ऑफिस पर लगा हुआ हो कि आप सीसीटीवी कैमरे की जद में है, यानी सीसीटीवी कैमरे यहां लगे हुए हैं, तो आदमी गुटखा खाकर वहां थूकना भी पसंद नहीं करता। क्यों? इसलिए कि मैं सीसीटीवी कैमरे की जद में हूं। अगर पान खाने वाला पान खा रहा है और सीसीटीवी कैमरे की जद में हो, तो अल्लाह हू अकबर, आदमी पान को वहां नहीं थूकता। क्यों? इसलिए कि सीसीटीवी कैमरे की जद में है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की जद में हो तो गेट जरूर देखा जाएगा कि अमीनुल कादरी ऑफिस में चढ़ते हुए क्या कर रहा था, उतरते हुए क्या कर रहा था। ऐ नादान इंसान, अपने जैसे इंसान के लगाए हुए कैमरे के सामने तू है तो तू इतनी एहतियात कर रहा है कि तू पान को भी नहीं थूक रहा है, तू गुटके को भी नहीं थूक रहा है, और तुझे हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा, आटो पहर, 24 घंटा तेरा अल्लाह तुझे देख रहा है। क्या ख्याल है तेरा? इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुझ पर कड़ी निगरानी कर रहा है। अल्लाह हू अकबर, आज की आपको बताऊं, एक मर्तबा मेरे और आपके आका सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जहन्नम के अंदर एक वादी है। अब जरा तवज्जो से सुनना, दूसरे कबीरा गुनाह की तरफ आते हैं और तीसरे इसमें दो गुनाहों का जिक्र होगा। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का हाल ये है कि एक दिन में 5 मरतबा जहन्नम भी उससे पना मांगता है, यानी जहन्नम भी जिससे पना मांगे, एक ऐसी वादी जहन्नम में मौजूद है, आग जिससे पना मांगे वो कैसी आग होगी, जहन्नम जिससे पना मांगे वो कैसी जहन्नम होगी। मैं एक एक रिवायत का जिम्मेदार जो बयान कर रहा हूँ, आप उससे हवाला ले सकते हैं। मैं कोई हवा में गिरा नहीं लगा रहा हूँ, मैं कोई आपको मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे, मेरी माए और बहने भी हजारों की तादाद में मौजूद है, सब दिल के कानों से सुनो। अल्लाह अकबर, हजरत अल्लाह अल्लाह मुस्तफा करीम रऊफ और रहीम, गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है जिससे जहन्नम भी एक दिन में 5 मरतबा अल्लाह की पना मांगता है। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका फरमाते हैं, उस जहन्नम की वादी की हरारत और गर्मी ये है, तपिश ये है कि उसके अंदर अगर पहाड़ भी डाल दिए जाए तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाए, यानी जहन्नम उससे 5 बार पना मांगे, ऐसी वादी है, और उसमें अगर पहाड़ डाले जाए तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाए। सहाबे किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपके कुर्बान आका, जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे और जिससे एक दिन में 5 मरतबा जहन्नम पना मांगता है, हुजूर उस वादी में किसको डाला जाएगा, उसमें किसको रखा जाएगा, वो किसका ठिकाना होगा? तो मेरे आका फरमाते, 2 लोगों का ठिकाना होगा, जिससे 5 बार जहन्नम पना मांगे और जिसमें पहाड़ भी पिघल जाए, उसमें 2 लोग डाले जाएंगे। नंबर 1, हराम खाने वाला, हराम लुकमा खाने वाला। हराम लुकमा मतलब जुआ खेलता है, उसके पैसे से खुद खाता है, बच्चों को खिला दे, सट्टा खेलता है, शराब का धंधा करता है, सूद का, ब्याज का, इंटरेस्ट का धंधा करता है। आप जानते हैं वो उसमें डाला जाएगा जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे। हराम मत खाओ। कोई सोचे मेरी तो किराना की दुकान है, मैं तो हलाल कमाता हूं। अगर किराना दुकान पे भी झूठ बोल के सौदा बेचते हो, वो भी हराम है। दूध में पानी मिलाते हो, हराम है। तेल में मिलावट करते हो, हराम है। धोखा देते हो, बाल करते हो, हराम है। सुन लो, हराम न कमाओ। अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया है। क्या लिख दिया है? कि अल्लाह तुम्हें दौलत कितनी देगा, माल कितना देगा। याद रखना, हराम से मत कमाओ। अगर हलाल से कमाओगे तो भी उतना ही मिलेगा, और हराम से कमाओगे तो भी उतना ही मिलेगा। तकदीर से ज्यादा वक्त से पहले न किसी को मिला है, न किसी को मिल सकता है। हलाल कमाओ, हलाल। उसमें क्या है देखो, हलाल में बरकत है। हलाल देर से आता है, हलाल कम आता है, लेकिन बरकत अल्लाह ने रखी है। और हराम ज्यादा ज्यादा आता है, जल्दी जल्दी आता है, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। एक आसान मिसाल से आपको समझाऊं, देखो और गौर करो। अल्लाह अकबर, के कुत्ते कितने बच्चे पैदा करता है, कुत्ते के कितने बच्चे होते हैं? 1 साल में 12-12, 14-14 बच्चे होते हैं। लेकिन क्या आपने हर घर के दरवाजे पे कुत्ते को देखा है? हालांकि दुनिया के कोई मजहब का आदमी कुत्ता नहीं खाता, दुनिया के कोई मसलक का आदमी कुत्ता नहीं खाता, लेकिन कुत्ते 12 पैदा हो, साल में 14 पैदा हो, हर दरवाजे पे नजर नहीं आते, और कुत्तों का रेवड़ कभी नजर नहीं आता। कुत्ता तन्हा तन्हा चलता है, या 2-4-6 जमा हो जाए तो अलग बात है, मगर कुर्बान जाए। बकरी 2 पैदा होती है साल में, या 3 पैदा होती है, और हजारों जमा होती है। बंगाल वाले भी जमा कर रहे हैं, ईरान वाले भी जमा कर रहे हैं, यमन वाले भी जमा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जमा हो रही है, लेकिन हर दरवाजे पर भी नजर आ रही है, और जंगल में रेवड़ भी नजर आ रहा है। आती हुई कम नजर आती है, लेकिन इतनी ज्यादा है क्यों? तो तुम्हारा ईमान गवाही देगा, कुत्ते को अल्लाह ने हराम किया है, उसमें बरकत नहीं है। बकरी को हलाल किया है अल्लाह ने, उसमें बरकत है। कोई
बरकत ज्यादा होगी। एक और बात दर्ज करूं, अल्लाह जिससे नाराज उसमें बरकत नहीं और अल्लाह जिससे नाराज उसमें बरकत। तवज्जो आपकी ध्यान रखता, देखो यजीद अल्लाह उससे नाराज था, यजीद 14 बेटे छोड़ के मरा और एक रिवायत के मुताबिक 8 छोड़ के मरा, लेकिन यजीद की नस्ल नजर नहीं आती क्योंकि अल्लाह उससे नाराज था। और हुसैन से अल्लाह राजी है, एक बेटा छोड़कर दुनिया से गए। आज मुसलमानों का कोई मोहल्ला नहीं है जहां पे औलाद हुसैन मौजूद। हमारे करतूत का जादू इतना खतरनाक है, हमारे गुनाहों का जादू इतना खतरनाक है। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती है। कहा मौलाना साहब, सैयद साहब, पीर साहब, 30 साल हो गए बेटी को रिश्ता नहीं आता। मैंने कहा पाप करना छोड़ दे। ये हंसी की बात नहीं है। और काम की बेटियों से कहता हूं, अगर घर में बैठी बगैर रिश्ते की लड़कों की कमी नहीं है, गुनाह करना छोड़ मेरी बहन। तुझे ऐसे घर का रिश्ता आएगा नेकी की बरकत से, तेरा गुमान भी नहीं जाएगा। अब आपको लगेगा कि ये मौलवी लोग को बुलाया तकलीफ के लिए, कुछ भी बोल के जा रहे। दलील पेश करो आपको, देखो अगर नेकी करोगे तो इतने ऊंचे घराने का रिश्ता आएगा तकवे की वजह से, लेकिन तकवा अल्लाह के लिए होना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। पता चला ऊपर से तकवा है अंदर तो खाली है। हुजूर अलैहिस्सलाम को मत, अब तकवा हाँ होना, तकवा यहाँ है गर्दन में नहीं है। जो गर्दन झुका के बैठते हो, गर्दन ना झुकाओ, दिल झुकाओ। खूबसूरत ना पहनो, दिल को खूबसूरत बनाओ। दाढ़ी की तराश खराश पे तवज्जो देने वालों, दिल पे तवज्जो दो, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते मुत्तफक अलैह हदीस है, इन्नल्लाहा ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व इला अम्वालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना माल देखता है, अल्लाह तो तुम्हारे दिल देखता है। दिल, इस दिल में पाप है, पाप दिल में गुनाह है, दिल में जरायम है। अगर बच्चियों को नेक बनने पर अच्छा रिश्ता ना आए, मेरी जबान काटने में कोई चैलेंज के साथ बात करने वाला आदमी नहीं, लेकिन मुझे अपने नबी के फरामीन पे इतना यकीन है। याद रखना, जिस तकवे से अल्लाह मिल सकता है उस तकवे से अच्छा शौहर नहीं मिल सकता, जिस तकवे परहेजगारी से अल्लाह मिल सकता है उससे अच्छी बीवी नहीं मिल सकती। जो अल्लाह तक पहुंचा दे वो बीवी तक नहीं पहुंचा सकता, जो अल्लाह तक पहुंचा दे। आपको बताऊं, देखो तकवे की बरकत से अच्छा रिश्ता कैसे। मैं कोई वजीफे का मुखालिफ नहीं हूं, मैं खुद सिलसिले से वाबस्ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कादरी बरकाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं इमाम अहले सुन्नत का गुलाम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस खानकाए कादरिया बरकाती से मेरे इमाम का रिश्ता है मोहब्बत है, हम वहाँ की गुलामी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ,
देखिए हमारे बुजुर्गों ने जो बात कही है उसी को तवज्जो। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अल वज़ीफ़तुल करीमा में कि फकीर अक्सर वजीफे में वही दुआएं रखता है जो हदीस में है। लोग इमाम अहमद रज़ा को कितने बिदअती थे, मैंने कहा वो जितना सुन्नत के आमिल थे उस सदी में किसी बिदअती फिरके के अंदर ऐसा आलिम और आमिल तो दूर की बात है, उनकी जूतियों की नोक की जो गर्द है ना उसके जिंदगी का कोई अमल खिलाफ सुन्नत साबित करके बताओ। ये और बात है कि हमने इमाम अहमद रज़ा के मुतालिक ये बातें तो लोगों को बताई कि वो दोनों हाथ से लिखते थे, ये तो जिम्मेदार वो है जो जो बयान कर चुके हैं, लेकिन मुझे तो इमाम अहमद रज़ा की जिंदगी में ये नजर आता है कि वो आखिरी दिन अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों के अंदर दो लोगों के हाथ पर, दो लोगों के कंधों पर अपने हाथ रखकर अपने पैरों को जमीन से घसीटते हुए नमाज़े बाजमात के लिए मस्जिद में जा रहे हैं। मुझे ये बात नहीं कि कोई जिस जो जो बयान करे उसका जिम्मेदार वो है, मैं ना मुखालफत कर रहा हूँ ना हिमायत कर रहा हूँ किसी के दो हाथ से लिखते नहीं, लेकिन मैं उनके दोनों हाथ को देख रहा हूँ तसव्वुरात में कि वो दो मानने वालों के कंधों पे हाथ रखकर बाजमात जा रहे हैं, आखिरी अय्याम में इतने बीमार हो गए हैं कि चल नहीं सकते तो पैर रगड़ करके मस्जिद जा रहे। किसी ने कहा ऐसे वक्त में तो जमात माफ हो जाती है, आप घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो मेरे इमाम ने फरमाया जमात माफ हो जाए अलग बात है, लेकिन ये अदा तो मेरे नबी की सुन्नत है ना। हुजूर भी तो किसी के कंधे पर हाथ रखकर मस्जिद तक गए थे, जब मस्जिद जा नहीं सकते थे तो तब भी नहीं हालत में गए थे। बात जमात के माफ होने की या उसके अदा करने की नहीं है, हम इश्क के बंदे हम सवाब के सौदागर नहीं है, हम इश्क के बंदे हैं, हम तो देख रहे हैं कि महबूब की अदा क्या है उसी अदा को अदा कर रहे हैं। जो बेटे की शादी में तीन तीन दिन की नमाजें छोड़ दे, जो मैयत की मसरूफियतों में नमाजें छोड़ दे, आखिर वो ही सदा पर। इसलिए कि शायद हमने इसका जिक्र हो सकता है किसी को इस पर तकलीफ भी हो कि ये क्या बात की जा रही है, लेकिन मैं आपसे आपकी तकलीफ का मुझे कोई ख्याल नहीं, मुझे तो अपने अल्लाह की रजा का ख्याल है, इसलिए मैं वो बात करना चाहता। तो मैं बात करने चला था, बात दूर न निकले कि अगर वो तकी बन जाओ, अगर अल्लाह से डरने लगो गुना छोड़, ऐसी जगह का रिश्ता आएगा गुमान भी नहीं होगा। देखो उसको मैं एक दलील की रोशनी, आपने सुना है कोई नई बात नहीं, मैं कोई नई बात कर क्या कर सकता हूँ। 14 सदियों का जो जखीरा उसमें से बात होगी आप सुन चुके, सुननी बहुत जलसा करते सुनते भी कोई नई बात नहीं कर सकता, सिर्फ आपको याद दहानी करानी। फारूक आजम सैयदना उमर इब्ने खत्ताब ने ऐलान किया हमारे मजहब में दूध में पानी मिलाकर बेचने की इजाजत नहीं है। आपने फरमाया कोई दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचेगा, तवज्जो करना है। ये बात आप बार बार सुन चुके हैं, लेकिन इसको मैं किसी और पैराए में आपके सामने रख रहा हूँ, मेरी बहनों के सामने आपके सामने। अच्छे रिश्ते चाहते हो, इससे बड़ा वजीफा कोई नहीं मेरे पास अच्छे रिश्ते का। फारूक आजम फरमाते हैं मेरे नबी के दूसरे जानशीन है खलीफा दुआ में फरमाते हैं कि दूध में पानी मिला करके न बेचना। ठीक, हमारे यहाँ इस्लाम में देखो दूध महंगा बेचो इतना ही महंगा, सब लोग 50 में बेच रहे हो, आम दिनों में आम हालात में जब दूध मिल रहा हो हर जगह आप 100 में बेचिए ना, आपका किसने कलम पकड़ा है कि आप ना बेचें। फतहुल कदीर का ये जो जुजिया है उसी पर तो नोट की इस्तेमाल की इजाजत इमाम ने लिखी है ना कि अपनी 1 पैसे की चीज आप 1000 में बेच दी, आम हालात में अगर खाने पीने की चीजों की किल्लत ना हो, हालात आम हो, मार्केट ओपन हो, तो आप कितने में भी बेच सकते हैं, जिसको पसंद आएगा लेगा, नहीं लेगा पसंद आएगा नहीं लेगा, 50 रुपए लीटर बेचना, फीवर बेचे 100 में बेचे जिसको पसंद। अब ये एक बात याद रखा जाए आज भी फीवर के खरीदार लोग हैं, लोकल माल बहुत सब सारे लोग पसंद नहीं करते। और एक बात आपसे कहता हूँ, अल्लाह को राजी करने के लिए पीवर माल बेचोगे, कोई खरीदने आए ना आए अल्लाह फरिश्तों को भी इंसान बनाकर भेज देगा। तो है ये बातों को आप किसी मजदूर की बढ़ कह सकते हैं, किसी दीवाने की आवाज कह सकते हैं, लेकिन अमल कर भी देखना सच्ची बात है। तो अर्ज क्या कर रहा था, फारूक आजम ने फरमाया पानी मिला के ना बेचना, अब तो दूध में पानी मिला के नहीं बेचा जाता,
अब तो पानी में दूध मिला के बेचा जाता है, चेक करें, बल्कि अब तो दूध भी नहीं है, लोग पता नहीं कैसे कैसे केमिकल के अंदर जो पानी मिला करके उसको चाय बना करके बेचते, अब तो रेलवे स्टेशन की चाय पीने की हिम्मत भी नहीं होती, पता नहीं दूध मिला होगा कि क्या मिला होगा, खुदा जाने क्या मिला होगा, ये हालात है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम का निजाम कितना खूबसूरत है। वक्त कामिलुल मोमिनीन कहते हैं दूध में पानी मिला के न बेचना, अच्छा फिर उसके बाद कहते सो नहीं जाते। आज लोग इसलिए करप्शन का शिकार है कि जो लोग कानून पास करते करप्शन के खिलाफ वही करप्शन के अंदर गिरफ्तार है। करप्शन का खात्मा उस वक्त होगा कानून पास करने वाला पहले अमल करे, ये बात है। तो फारूक आजम ने कहा दूध में पानी मिला के न बेचना, ठीक बात हो गई। लेकिन रात को निकलते थे मदीने शरीफ की गलियों में घूमने के लिए, कौन करप्शन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अचानक एक कांपती भी बूढ़ी आवाज फारूक आजम के कान में पड़ी, कांपती भी बूढ़ी आवाज, बेटी। जी मम्मी। जी अम्मी, मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ, वरना आप कहें कि ये अरबी में मम्मी कहाँ से आ गई। ऐसा नहीं है, कुछ लोग तकरीर सुनने भी आते हैं तो ऐसा नहीं है, बात अपने लहजे में कही जाती है, तो अरबी में जी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन बात तो आपकी करनी है ना, वरना अरबी मतन आपके सामने पढ़ूंगा तो आपको क्या समझ में आएगा। और मेरी गुजारिश ये भी, मेरी आदत भी है कि मैं बहुत हल्की जबान इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ताकि मेरे किसान भाई भी समझ लें, छोटे छोटे बच्चे भी समझ लें। ये तो कहा, जी अम्मी क्या बात है। कहा कि बेटा जल्दी से दूध में पानी मिला दो, रात का आखिरी पहर है। बूढ़ी माँ अपनी जवान बेटी से कहती दूध में पानी मिला, बूढ़ी माँ की आवाज सुनकर जवान बेटी की तरफ जब कान लगे फारूक आजम, तो उसने कहा अम्मी तुम्हें पता नहीं अमीरुल मोमिनीन ने मना किया ना दूध में पानी मिलाकर बेचने से, मैं दूध में पानी ना मिलाऊंगी। तो क्या कहा, बेटी वो अमीर तो हमारा सो रहा होगा, उमर सो रहे होंगे, वो कहां देख रहे हैं। तो पता है जवान बेटी ने क्या कहा, अम्मी अमीर तो नहीं देख रहा है, लेकिन तेरा और मेरा और अमीर का खुदा तो देख रहा है। अब इस पर यहां तक तो आपने सुना, अब तवज्जो करें। फारूक आजम ये सुनकर आके छटक पड़ी कि जवानों में ऐसे लोग मौजूद है, अभी भी जवान ऐसे लोग मौजूद है मेरे मजहब में, मेरे मदीने में। तो वहां पर आपने निशान लगा दिया, घर पे निशान लगा दिया, निशान लगाए घर गए, आंख में आंसू थे, सुबह हुई अपने बेटों को जमा किया और जमा करके फरमाया, देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं कोई शादी नहीं कर सकता, तुम में कौन है जो उस लड़की से शादी करेगा जो अल्लाह से डर करके दूध में पानी नहीं मिला रही थी, उससे कौन शादी करेगा। आपके बेटे तैयार हो गए कि अब्बू मैं शादी करूंगा। आप देखें कोई रिश्ते में बीच किसी बिचौलिया को डाला गया, किसी अगुआ को डाला गया, किसी अगुआ ने अगुवाई की, एक लड़की का तकवा, अल्लाह अकबर, मदीने मुनव्वरा के आम घराने का रिश्ता नहीं आया, वक्त के अमीरुल मोमिनीन का रिश्ता, बगैर मांगे घर तक के चल कर आया, और वो तकवे की बरकत थी, परहेजगारी की बरकत थी, और फिर फारूक आजम की वो लड़की बहू बन गई, वक्त की अमीरुल मोमिनीन की बहू बनी। क्यों? डिग्री की वजह से नहीं, हुस्न की वजह से नहीं, माल की वजह से नहीं, नसब की वजह से नहीं, सिर्फ तकवे की बरकत से अमीरुल मोमिनीन की बहू बनी। और सिर्फ अमीरुल मोमिनीन की बहू नहीं बनी, बल्कि जब उस लड़की की शादी हुई तो अल्लाह ने फारूक आजम के बेटे और उस लड़की से एक और बेटी अता फरमाई, और उस बेटी का निकाह, उस बेटी का निकाह फिर एक जगह हुआ, उसी बेटी से जो बेटा पैदा हुआ, उसी बेटे को दुनिया ने हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज के नाम से जाना। यानी वो सिर्फ उमर की बहू ना बनी, बल्कि 14वीं पहली सदी का मुजद्दिद और दूसरे अमीरुल मोमिनीन, अजीम अमीरुल मोमिनीन जो है, उनकी नानी भी बन रही है ना, वो उमर इब्ने अब्दुल अजीज की नानी भी बन रही है एक और अमीरुल मोमिनीन की, यानी उमर इब्ने अब्दुल अजीज की नानी बनी वो। पता चला तकवे की बरकतें ये हैं। तो मेरे आका अली सलाम के प्यारे दीवानों, बात दूर निकली, अर्ज क्या कर रहा था कि हराम न कमाओ। और एक और जुमला देखिए, आप अगर वक्त तो पहले ही कम है, मुझे अपनी बात कर लेने दें, और आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। मैं इस इलाके में पहली बार आया हूँ, बंगाल का नाम बहुत सुना था, लेकिन पहली बार आपके इलाके में बहुत मोहब्बती लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। इस्तकबाल कर ले हजरत तशरीफ ला रहे हैं, जो भी मेहमान आ रहे हैं उनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान बुखारी उर्से बुखारिया उर्से नूरुल हुसैन बुखारी
साहिबे सच्चादा हजरत अल्लामा सैयद सैफुल हसन बुखारी मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैजाने बुखारिया अच्छा तो आप इस्तिफारे तबीब नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने बुखारी फैजाने बुखारी खान कहे बुखारिया खान कहे बुखारिया पीरे तरीकत हुजो सैयद शाह नूर हसन बुखारी हुजो सैयद मोहम्मद सैफुल हसन बुखारी हुजो सैयद साद बाबा बुखारी नारे तकबीर नारे रिसाल। अगर इस्तकबाल हो गया तो बैठ जाए बैठ जाए आप लोग से बैठ जाए मुसाफा साहिब सितारा तशरीफ ला चुके हैं आप दुरूद शरीफ पढ़े में अपनी गुफ्तगू मुकम्मल बैठ जाए आप लोग सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ने पर तमाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिमिल जूद वल करम व आलिही व सहबी व बारिक व सल्लम सलातो व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। बात आगे बढ़ाई जा सकती है आप दुरूद शरीफ पढ़ने पर तमाम सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिमिल जूद वल करम व आलिही व सहबी व बारिक व सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने पहले भी कहा था मैं कहता हूं साहिब ज्यादा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह उन्होंने मेहनतें की काविशे की इलाके के उलमाए किराम सादात किराम ने मेहनत की इतनी खूबसूरत महफिल सजी और बहुत खूबसूरत थी से आप लोग सुन भी रहे एक बार फिर बुलंद आवाज से आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ने आओ مولانا محمد المادن الجودي والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله। तो याद रखें तकवा बड़ी अजीम चीज है गुनाह से बचना बड़ी अजीम चीज है परहेजगारी बड़ी अजीम चीज है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम के जिस तबके में जो पहाड़ भी पिघल जाएंगे और जहन्नम का वो तबका जिसमें जहन्नम की एक दिन में 5 मरतबा पना मांगता है अल्लाहू अकबर उसमें जिनको डाला जाएगा वो दो लोग हैं। नंबर एक कौन जो हराम खाने वाला और याद रखना आजकल मुसलमानों में सूद का लेन देन भी आम हो रहा है लोग सूद खा रहे हैं और याद रखिए सूद लेना भी हराम है सूद देना भी हराम है यानी कि ब्याज जिसको कहते हैं अल्लाह हू अकबर कई किसी का नाम पर कई किसी नाम पर कई किसी नाम पर सूद को आम किया जा रहा है। याद रखिए जिसने सूद का एक लकमा खाया सूद का एक बैठ आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया एक बार दुरूद शरीफ फिर पढ़िए अपने अकाल इस्लाम की बारगाह में अल्लाह रब्बो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि व या जद्दल रसूल अल्लाह। तो जिसके सूद का एक लुक्मे की बात हुई जिसने सूद का एक लुक्मा खाया गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा जिना किया यानी जो अपनी माँ के साथ 36 बार जिना करे उसको कयामत में जो अजाब दिया जाएगा वो सूद का एक लुकमा खाने वाले को दिया जाएगा। अब आप बताएं जो ब्याज का धंधा करते हैं इंटरेस्ट का कारोबार करते हैं उनका क्या अंजाम होगा। इसलिए दुनिया ही सब कुछ नहीं है। और अब गुफ्तगु को समेटते हुए एक आखिरी बात अस्कर को समेटते हुए कि एक बंदा तो वो कि जहन्नम में पहाड़ जो पिघलेंगे जिस हिस्से में पहाड़ पिघलेंगे जिस हिस्से में पहाड़ पिघलेंगे उसमें जिसको डाला जाएगा वो कौन हराम खाने वाला इसलिए अब हराम न खाना। और नंबर दो कौन अब वो दूसरा बंदा सुन ले जो गुनाहे कबीरा मैंने शुरू किया था गुनाहे कबीरा से बचने का हुक्म है बड़े गुनाह से बचने का हुक्म है। तो दूसरा कौन बंदा उस हिस्से में डाला जाएगा जिसमें पहाड़ पिघलेंगे और एक बार एक 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 दिन में 5 मरतबा जहन्नम में जिससे पना मांगता है उस तबके में और किसको डाला जाएगा
तो वो दूसरे नंबर का बंदा है जो नमाजों को तर्क करता है, जो नमाजों को जाया करता है, जो नमाजों की पाबंदी नहीं करता, उस हिस्से में डाला जाएगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, आपकी बहुत बड़ी तादाद है हिंदुस्तान में, जवान 60% है, 60% है। मेरे भाइयों, नमाज के नाम पे भी जमा हो जाओ। देखो, सुनने के लिए, तकरीर सुनने के लिए हजारों की तादाद में जमा होते हो, काश के अमल के लिए भी हजारों की तादाद में जमा हो जाओ। मेरे भाइयों, हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया, आज मस्जिदें वीरान है, आज मरसिया खां है मस्जिदें, हम नमाज के लिए नहीं आते। कितना सादगी के साथ बहाना बना देते हैं, मौलाना हम नापाक इसलिए नमाज नहीं पढ़ते। आपसे पूछता हूँ मुसलमानों, बताओ जो नापाक हो वो मुसलमान कैसा, आप मुझे बताएं तो सही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों, मस्जिदों की तरफ आओ, देखो अपने मसाइल है। किसी का क्या मसला है? रोजी रोटी का मसला है, किसी का बेटी का मसला है, किसी की औलाद नहीं है। जिसको औलाद है, औलाद नाफरमान है, कोई बीमारी में मुब्तला है, कोई बर्बादी में, कोई तबाही में है। मेरे भाइयों, याद रखो अपने मसले का हल अच्छी तरह याद रखना। सुन ले आप लोग, कि मैं इस माहौल में गुफ्तगु करने का आदि हूँ। मैं इंडिया में ही रहता हूँ, हिंदुस्तान में ही रहता हूँ, और आपकी ये चीखो पुकार से मेरे कान आशना है, और मुझे इसके कोई बुरा नहीं लगता। लेकिन इतना जरूर है कि मेरा एहतराम न करो, लेकिन जिसकी हदीस पढ़ रहा हूँ उस नबी का तो एहतराम करो। मुझे फर्क नहीं है, ये जो हजारों इत्मीनान से सुन रहे मेरी तवज्जो की तरफ, आदत है, मैं कभी निगेटिव की तरफ तवज्जो नहीं करता, मैं हमेशा पॉजिटिव की तरफ तवज्जो करता हूँ। थोड़ा सुन ले, कितने अच्छे लोग है बेचारे, घंटों घंटों खड़े खड़े। अल्लाह ताला इन खड़े रहने वालों को भी और घंटों से बैठने वालों को भी, जो दिन 50,000 साल के बराबर का दिन होगा कयामत का दिन, उस दिन अल्लाह हम सबको तकलीफ से बचा ले। आमीन। आज नबी रहमत की महफिल में बैठे हैं, कल कयामत के दिन नबी रहमत के साथ उठना अल्लाह हम सबको नसीब करे। कोई कारोबार के मामले में परेशान, कोई रोजी रोटी के मामले में परेशान, कोई बेटी के मामले में परेशान, किसी को औलाद नहीं है वो दुखी है, जिसको है वो औलाद से दुखी है, औलाद फरमा बरदार नहीं। अब हमारे मसाइल का हल कर, हम सोचते हैं हुकूमतें बदलेगी, फलां पार्टी आएगी तो मसले का हल होगा, फला वजीफा पढ़ लेंगे तो मसले का हल होगा, फला तावीज दे लेंगे तो मसले का हल होगा, ये दुआ कर देगा तो मसले का हल होगा, वो दुआ कर देंगे तो मसले का हल होगा। चलो अमीनुल कादरी आ गया है हमारी बस्ती में, उससे दुआ करा लो, वो दुआ कर देगा तो मसले का हल होगा। एक बात आपको बताऊं, सच्ची बात बताऊं, जब तक मस्जिद में नहीं आओगे अपने मसले का हल कोई नहीं कर सकता। कल भी अपने मसाइल का हल मस्जिदों में था, और अब भी अपने मसाइल का हल मस्जिदों में है। मुझ जैसा क्या, मुझसे बहुत बड़ा भी इंसान आप ले आओगे और वो भी आपके लिए दुआ कर दे, तो अल्लाह उसकी दुआ भी आपके हक में कबूल नहीं करेगा। क्यों कबूल नहीं करेगा? क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान है, मेरे और तुम्हारे नबी का फरमान है, मेरे और तुम्हारे आका का फरमान है कि जो नमाज छोड़ देता है नेकों की दुआ से अल्लाह उसका हिस्सा खत्म कर देता है, नेकों की दुआ से अल्लाह उसका हिस्सा उठा लेता है। बल्कि आपको यह बात कहूं, मुसलमानों अगर नमाज पढ़ो तो तुमको मेरी दुआ की और किसी की दुआ की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नबी हमारे लिए 1450 साल पहले इतनी दुआएं कर चुके हैं कि अब हमें मजीद किसी की दुआ की जरूरत नहीं है। लेकिन उस दुआ के हम तक पहुंचने में, उसका फैजान पहुंचने में एक चीज रुकावट बनी हुई है। क्या रुकावट बनी हुई है? कि हमने रसूलुल्लाह को नमाज छोड़ करके नाराज कर दिया है। अगर हम सजदा करके हुजूर को राजी कर ले तो हुजूर की दुआओं की बरकतें आज भी हमें हरा भरा कर सकती है, आज भी हमें बरकतों से माला माल कर सकती है। कितनी अजीब सी बात है, हमें व्हाट्सएप के लिए टाइम है, फेसबुक के लिए टाइम है, ट्विटर के लिए टाइम है, हर चीज के लिए टाइम है, बीवी बच्चों के लिए टाइम है, दोस्तों अहबाब के लिए टाइम है, आखिर अल्लाह की इबादत के लिए टाइम क्यों नहीं है? वो अल्लाह को टाइम नहीं देते, कितने बेशरम हो गए हम, किस कदर गद्दार हो गए हम, किस कदर बेवफा हो गए हम अल्लाह को टाइम देने के लिए तैयार नहीं। वो अल्लाह जिसने जिंदगी दी, वो अल्लाह जिसने माँ के पेट में हमारी खूबसूरत शक्ल बनाई, कभी आईने में अपनी शक्ल देख के
इतराने से पहले सोचा होता अगर यही शक्ल को अल्लाह चूहे जैसी बना देता, कुत्ते जैसी बना देता, बंदर जैसी बना देता, है कोई पूछने वाला उससे कि तूने ऐसा क्यों किया? आप बताए, अल्लाह इंसान न बनाता सुअर बना के पैदा करता, कोई पूछने वाला होता कि सुअर क्यों बनाया? कुत्ता बना के पैदा करता, कोई पूछने वाला होता कुत्ता क्यों बनाया? अल्लाह अकबर, अपनी खूबसूरत शक्ल को देखने वालों, कभी कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहसान को तो सोचो, वो अल्लाह कितना शान वाला है जिसने मुझे इतना खूबसूरत बनाया। लोग मुझे देख के मेरी तारीफ करते हैं। कुरान इंसान की हुस्न को बयान करते हुए कहता है, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, और कसम है उस शहर की, अमन वाले शहर की। बल्कि मुफस्सरीन क्या कहते हैं, अब आइए मुफस्सरीन के कॉल के मुताबिक उसकी तफसीर के हवाले से उसका मफहूम बयान करूं। शहर इब्राहिम की कसम, शहर मूसा की कसम, शहर ईसा की कसम, शहर मोहम्मद की कसम, चारों महबूबों के शहर की कसम उठाकर कहा जा रहा है, ए अल्लाह अगर बगैर कसम के भी तू कहे तो तेरी हर बात मानते हैं, ला रैबा फी, तेरी किसी बात में हमें शक नहीं है, लेकिन चार चार कसम उठाकर। अब अभी कसम कौन सी? उस शहर की कसम जिसमें इब्राहिम पैदा हुए, उस शहर की कसम जिसमें मूसा पैदा हुए, उस शहर की कसम जिसमें ईसा पैदा हुए, उस शहर की कसम जिसमें महबूब पैदा हुए। पता चला नबियों की पैदाइश कोई मामूली चीज नहीं है, अल्लाह चार चार महबूबों के चार चार नबियों की मौलूद की कसम उठा रहा है। इससे पता चला मौलूद की अहमियत क्या है, इससे पता चला मौलूद की अहमियत क्या। लोग कहते मिलाद मनाने से क्या होता है, मैंने कहा जो मनाते उनसे पूछ क्या होता है। क्या होता है? मिलाद मनाने वाले से पूछ। अगर काफिर भी मिलाद मनाए भतीजा समझ के तो जहन्नम में उसका अजाब भी कम हो जाता है, जहन्नम में उसका अजाब भी कम हो जाता है। कहा तुम लोग तो ख्वाब की बातें बयान करते हो, हमने कहा ख्वाब की बात हम बयान करते तो मुजरिम होते ही, इमाम बुखारी ने बयान करवाया है। कहा के आप लोग तो ख्वाब की बात, जब सहाबी ख्वाब बयान करते तब वो ख्वाब नहीं रह जाता, वो रिवायत हो जाती है ना। हाँ तो बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, एक बात आपको बताऊं, मिलाद से क्या होता, तवज्जो आपकी, मिलाद से क्या होता, जिसका कोई ताल्लुक भी ना हो उसको भी मिलाद की बरकत मिलती है, मिलाद से ही होता है। इमाम मुतकल्लमीन अल्लामा नक़ी अली खान अपनी किताब में लिखते हैं कि जब कारून जमीन में धंसा, आपको पता है कारून क्यों धंसा, लेकिन धसा इतना तो पता होगा, अभी उसकी तरफ जाऊंगा तो आधा घंटा और चाहिए, लेकिन उसका नहीं कुछ कुछ जिक्र कर, कारून जमीन में धसा ये तो पता होगा आपको, कारून जमीन में धसा। अब धसा 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 धसता रहा, कब तक धसा? मूसा अलैहि सलाम के जमाने से धसा, और कब तक धसता रहा? रसूलुल्लाह की विलादत से पहले तक धसता रहा। जैसे हुजूर की विलादत हुई और हुजूर के कदम जमीन को लग गए, अल्लाह ने फरमाया अब कारून ना धसेगा क्योंकि महबूब के कदम जमीन को लग गए। ताल्लुक ही नहीं है, मिलाद मुस्तफा के कारून का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बात कितनी है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिलआलमीन, रहमतुल लिलआलमीन ने पैर जमीन पे क्या रख दिए, अब वो धसता हुआ कारून नहीं धस रहा है, वो वही रुक गया है। क्यों? हुजूर की मिलाद हो गई। अल्लाह अल्लाह, जब कारून जैसों को ऐसी मिलाद की बरकतें नसीब होती है तो गुलामान मुस्तफा को कैसे नसीब होगी? सोचो तो सही। मिलाद से क्या होता है? मैंने कहा मिलाद से ये होता है कि सारी रूए जमीन मस्जिद बना दी जाती है, मस्जिद बना। एक बात आपको बताऊं, हुजूर ने क्या फरमाया, अल्लाह ने मेरी बरकत से रूए जमीन को क्या बना दिया, क्या बना दिया, यानी कि पहले के लोगों को इबादत करना होता था तो इबादत खाने में जाना पड़ता था, अब मुसलमान जहां नमाज का टाइम हो नमाज शुरू कर दे, क्या जगह है वो, मस्जिद। एक बात इससे और बताऊं, जब मस्जिद हो गई रूए जमीन तो मस्जिद के ऊपर कोई जिना करता है, मस्जिद के ऊपर कोई शराब पीता है क्या, मस्जिद के ऊपर कोई चोरी करता है, मस्जिद में चोरी। हुजूर कह रहे कि मस्जिद हो गई, ये तो हमें समझ में आ गया और यही उसका मतलब है कि सजदागाह बन गई, लेकिन जो चीज सजदागाह है फिर वो जिनागाह कैसे हो सकती है, वो शराबगाह कैसे हो सकती है, वो चोरीगाह कैसे हो सकती है? इसका मतलब लोग जमीन को कुछ माने, तुम तो सजदागाह मान रहे हो ना, जब तुम सजदागाह मान रहे हो तो जमीन के ऊपर पाप क्यों करते हो, गुनाह क्यों करते हो? जमीन पे गुनाह करने नहीं आए, जमीन पे सजदा करने आए, जमीन पे अल्लाह की इबादत करने आए। तो अर्ज क्या कर रहा था,
हमारे मसाइल का हल कल भी मस्जिद में था, सजदे में था, और आज भी सजदे में है। और जब तक सजदा नहीं करोगे उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिल सकती। फिर हुकूमतें आएगी चली जाएंगी। और एक बात आपको बताऊं, जो इस वक्त जालिम आए हैं दुनिया में, कई हर मुल्क कहीं ही आ लेते हैं, कम कहीं ज्यादा, इससे ज्यादा जालिम आएंगे। अगर इबादत नहीं करोगे इससे ज्यादा जालिम आएंगे। जो तकलीफें आज हैं इससे ज्यादा तकलीफें बढ़ेगी। अरे अल्लाह ने हमें खूबसूरत शक्ल दी, रिस्क दिया, अच्छे माँ बाप दिए, सारी नेमतें दी, क्यों उसके लिए टाइम नहीं निकालते? एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट चाहिए, 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता, क्यों नमाज नहीं पढ़ते? और सुन लो, अगर नमाज न पढ़ो, नमाज न पढ़ो तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम क्या फरमा रहे? आप ये सोचते हो कि नमाज छोड़ देंगे तो भी हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे? नमाजों को तर्क करोगे फिर भी हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे? याद रखो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। हुजूर फरमाने, होश के नाखून लो जिससे माँ बाप बेजार हो जाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आता। जिससे अल्लाह के रसूल बेजार हो जाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा कैसे आएगा? आप क्या समझते हो इमाम अहले सुन्नत की बात बहुत ज्यादा करते हो? इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा कि जो अजान का जवाब न दे और दुनिया की बातें करे, डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। इमाम अहले सुन्नत ने लिखा जो नमाज पढ़े लेकिन रुकू सही ना करे, पढ़ता है नमाज लेकिन रुकू सही नहीं करता, तो हदीसे पाक उन्होंने कोट की कि जो रुकू सही नहीं करता डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। नमाज पढ़ता है मगर रुकू सही नहीं पढ़ता तो डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ता, जुमा तक नहीं पढ़ता, जुमा के दिन आता है तो दो रकअत पढ़ के भाग जाता है, वो कैसे मोमिन मरेगा? वो ईमान पर कैसे मरेगा? और आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हजरत अबू हुरैरा से फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा, बेनमाजी के साथ ना बैठा करो, इसलिए कि बेनमाजी पर मुसलसल अल्लाह की लानत बरसती रहती है। हुजूर अपने सहाबा को बेनमाजी के साथ बैठने से रोकते हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, बेनमाजी बनकर हुजूर के आशिक कैसे हो सकते हो? बेनमाजी बनकर गौसे आजम के आशिक कैसे हो सकते हो? हम तो कादरी है। मैंने कहा अपना मुंह आईने में देखो, कौन से कादरी हो? सिर्फ कपड़ा पकड़ के किसी को कादरियत मिलती है? मेरे जुमले तलख हो तो माफ कर देना, लेकिन वो गौसे आजम शेख कादिर जिलानी जिनकी कादरियत पे नाश करते हो, गौसे पाक फरमाते हैं बेनमाजी मरे उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। जो गौसे आजम बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में गवारा नहीं करते, कब्रिस्तान गौस पाक का नहीं है, तवज्जो है आपकी, कब्रिस्तान कब्रिस्तान गौसे पाक का नहीं है। बजाइर गौसपाक फरमाते बेनमाजी मरे उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। तो जो गौसे पाक बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में पसंद नहीं करते, वो गौसे पाक बेनमाजी को अपने सिलसिले में कैसे पसंद? हाय 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 हाय, गौसपाक के सिलसिले में गौसपाक के मरते से कोई दाखिल होगा? तो मेरे भाइयों, नमाज की तरफ आओ, और अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो फिर कौन से हिस्से में दाखिल किए जाओगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो जहन्नम का हिस्सा जिससे जहन्नम भी एक दिन में 5 बार पना मांगता है, और वो जहन्नम का हिस्सा जिसके अंदर पहाड़ भी पिघल पिघल जाएंगे। मेरे भाइयों, अपनी जवानी पे रहम करो, अपने हाल पे रहम करो। बताओ, जिस जहन्नम के हिस्से में पहाड़ भी पिघल जाएंगे, जिस जहन्नम के हिस्से में पहाड़ भी पिघल जाएंगे, अपने जिस्म का क्या बनेगा? आओ सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह की बारगाह में माफी तलब कर लो। उर्स बुखारी में आने वालों, अहद करके जाओ कि आज के बाद कभी नमाज नहीं छूटेगी, आज के बाद कभी बदनजरी नहीं करेंगे, आज के बाद गुनाहे कबीरा की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आपने सच्ची तौबा कर ली तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। आज बदल जाओ, कान खींच
खींचने का नाम तौबा नहीं, गाल पीटने का नाम तौबा नहीं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का नाम सिर्फ तौबा नहीं, बल्कि तौबा ये है अपने अल्लाह से वादा करो आज से पहले कोई गुनाह हो गया हो तो मौला मैं माफी मांगता हूँ, आज के बाद सर्दी हो या गर्मी हो बारिश हो कुछ हो एक बार आपसे कहता हूँ, अगर आप कहते ना कि मेरे पैर पकड़ के कह दे नमाजी बन जा तो मैं आपके पैर भी पकड़ के कहता, लेकिन मुसलमानों हाथ जोड़ के कहता हूँ नमाज छोड़कर हम रसूलुल्लाह के सच्चे उम्मती नहीं हो सकते, कुछ करो या ना करो कम से कम नमाजी बनो, जो नमाजी बनता है वो दीनदार खुद बखुद बन जाता है, जो नमाजी बनता है धीरे धीरे वो अल्लाह के करीब हो जाता है, अरे सजदे में जाके देखो क्या है, रोजी का मसला ना हल हो तो कहना, रिस्क का मसला हल ना हो तो कहना, हो तो कहना, याद रखना मेरे भाई जिस सजदे में खुदा मिलता है उस सजदे में क्या नहीं मिल सकता, लेकिन सजदा करके देखो, लेकिन एक आखिरी बात कहते हुए जाऊं, याद रखना नमाज पढ़ना तो ऐसे के पीछे पढ़ना जिसका सर काबे के सामने झुकता हो और दिल मकीने गुंबदे खजरा के सामने झुकता हो, इसी कतारे नबी के सामने उसके पीछे नमाज ना पढ़ना, इमाम उसको बनाओ, इमाम उसको बनाओ जो इमाम अंबिया का अदब करता हो और जिसका कीदा ये हो उन्हें जाना उन्हें माना, मैं रखता गैर से काम लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान।